शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा।